मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता के नाम लिखा पत्र, विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए मांगा समर्थन। प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र में ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का करेंगे शुभारंभ, राज्य के 34 जिलों में 511 केंद्र होंगे स्थापित। ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों में चलेंगे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, हर केंद्र कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में करीब 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। कल देश की पहली रैपिड रेल लोकार्पण उसका होने जा रहा है, गाजियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। लद्दाख को केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा तोहफा, 20,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में गृहमंत्री अमित शाह ने संभाली कमान, जगदलपुर पहुंचकर मां दंतेश्वरी माता की पूजा अर्चना की, कहा छत्तीसगढ़ में मनेगी 3 दिवाली। आज अलीगढ़ और हाथरस दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 489 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत का बयान, मैं तो चाहता हूं कि ये मुख्यमंत्री पद छोड़ना पर ये कुर्सी मुझे छोड़ने को तैयार नहीं। सचिन पायलट पर गहलोत का इशारों में निशाना, बोले पायलट साहब के सब टिकट लगभग क्लियर हो रहे हैं, मैंने नहीं उठाई उंगली, इससे बड़ी बात और क्या होगी। दोबारा शुरू होगा ज्ञानवापी परिसर का सर्वे, परिसर में सर्वे के समय किया गया बदलाव, सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक की जाएगी समय सीमा। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के बाद आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंचे इसराइल, बोले इसराइल की जनता के साथ एकजुटता के जाहिर करने आया हूं। ग्रीस में सड़कों पर उतरे लोग, इसराइल और फिलिस्तीन दोनों के समर्थन में अलग अलग समूह ने किया प्रदर्शन। वॉशिंगटन में यहूदी शांति कार्यकर्ताओं की रैली, इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के लिए उठाई आवाज। न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के पास फिलिस्तीनियों के समर्थन में रैली, लोगों ने की हिंसा रोकने की मांग। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के प्रदर्शन, लोगों ने जला दिए बैरिकेड्स, इजरायली सेना की गाड़ी को बनाया निशाना। 10 से 16 नवंबर के बीच फ्लाइट्स के किराए पिछले साल की दिवाली के मुकाबले 44% तक बढ़े, होटल के किरायों में भी दिवाली वाले हफ्ते के लिए तेजी। 50 अरब डॉलर के खर्च के साथ भारत टूरिज्म पर खर्च करने वाला दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश, 2030 तक टूरिज्म पर खर्च करने के मामले में भारत के चौथे सबसे बड़ा देश बनने का अनुमान। 100 सुपरस्टार राइटर विजय की मोस्ट अवेटेड फिल्म लियो बड़े पर्दे पर रिलीज, नाचते गाते नजर आए फैंस। कोयम्बटूर की सड़कों पर फैंस की दीवानगी का अजब गजब नजारा, फिल्म लियो की कामयाबी के लिए सड़कों पर फोड़े नारियल, यातायात प्रभावित। गणपत की रिलीज से पहले मेकर्स ने जारी कर दिया नया प्रोमो, सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा। नवरात्र का आज 5वां दिन, आज हो रही है मां की पूजा और 4 पूजाओं वाली स्कंद माता के स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है, दिल्ली के छतरपुर मंदिर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब। नवरात्र के 5वें दिन दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में की गई विशेष आरती, माता से की गई मंगल कामना। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी भक्तों का तांता भजन केंद्र। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में मां दुर्गा मल्लेश्वरी का अनूठा श्रृंगार। शाजापुर में मां दुर्गा के दरबार में पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भक्तिभाव से नजर आए।